ओके सो रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशन के पास में एक छोटा सा शॉप था जहाँ से मैंने ये आयरन रॉड ख़रीदा, हैंडल बार, आई कॉल इट हैंडल बार, सब लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई स्मॉल रॉड बोलता है, कोई आयरन रॉड बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो ये यहाँ से लूज़ हो जाता है और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने पहले इसको फिक्स किया था तो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा था, लूज़ था, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और चलते चलते ये निकल गया था, इतना ज़्यादा मैंने अनफिट तरीके से इसको फिट किया था, प्रॉपर तरीके से फिट नहीं किया था। फिर बाद में थोड़ा जुगाड़ लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के मैंने इसको प्रॉपर फिट कर दिया है और अब ये अच्छा मजबूत हो गया। तो अगर मुझे इस पर कुछ लगाना है, जैसे मुझे ये अडाप्टर इस पर लगाना है तो आई कैन फिक्स इट, एक्शन कैमरा लगाना है, कुछ भी लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका विड्थ इतना कम है कि आपको एक्स्ट्रा रबर या एक्स्ट्रा एसेसरीज़ यूज़ करके इसको फिट करना पड़ेगा। मेन थिंग क्या है, इसके ये वाले स्क्रूज टाइट रहने चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए। ये सब तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये प्रॉपर फिट हो रखा, प्रॉपर सेट कर दिया आपने तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इतना हिलता रहता है लेकिन इसको आप टाइट कर सकते हैं एनी टाइम, सो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होती है इसका अगर प्रॉपर फिट नहीं हो, ये अगर प्रॉपरली स्क्रू टाइट नहीं है तो ये रॉड हिलता रहेगा और जितना आप इसको ऊपर करने की कोशिश करोगे, एक्सटेंड करोगे, उतना ही ये यहाँ से कनेक्शन से लूज़ होता रहेगा। सो ये रॉड हम लोग मल्टीपल यूज़ के लिए कर सकते हैं। जनरली पहले इसको लोग यूज़ करते थे वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस वाली बाइक में वाइब्रेशन पहले से ही कंट्रोल में है, तो इस रॉड की ज़रूरत हम लोग किसी और तरह से पूरी कर सकते हैं। इस पर आप कुछ एसेसरीज लगा सकते हो, अपना एक्शन कैमरा लगा सकते हो एक्स्ट्रा रबर फिटिंग के साथ। ये सही है, हैंडल बार पे आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा है, ये हैंडल के हिसाब से बनाया, और ये रॉड जो है ये काफ़ी पतला है, तो अगर आपको इसमें फिट करना है कुछ तो आपको इसमें एक्स्ट्रा फिटिंग के साथ करना होगा। मैं इसको आपको फ्रंट से लुक दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से लुक है इसका, काफ़ी मेहनत लगी थी इसको फिट करने में, क्योंकि अगर थोड़ा भी गलत एडजस्टमेंट होगा तो ये लूज़ हो जाएंगे स्क्रू, फिर आपको इसमें कुछ भी यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम होगी। इसको मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है, जैसे मैंने कहा सर्विस स्टेशन के बाजू से खरीदा, तो मेरे को ये 220 का पड़ा है। सेम रॉड मैंने अमेज़ॉन में देखा था, दे वो चार्जिंग 300 रुपीज़, फ्लिपकार्ट में आपको 250 का मिलेगा लेकिन उसके साथ 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ का वो लोग डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं, तो आपको 300 में पड़ेगा। अपने लोकल मार्केट में पता कीजिए, ये स्टेनलेस स्टील का है, इट इज़ नॉट ऑफ आयरन, तो इसमें आपको जंग भी नहीं लगेगा, तो इस हिसाब से ये परफेक्ट है। आपको अगर चाहिए आप लोकल मार्केट में जाकर के ले लीजिए, आप अगर उनको 50 रुपये देंगे तो वो फिट भी करके दे देंगे। अच्छा, मैंने तो घर पे ही फिट कर लिया है, आप चाहें तो बाहर से कर सकते हैं। ये था हैंडल बार के ऊपर जो रॉड लगी है उसके बारे में। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।